پرس اخ روز یو استرافک بیا سینٹر تھوکھی جب کھتنی کوئی ایس ڈپارٹمنٹ اس میں ہم لکھیں گے نا یہ جو ہم نے آر این بی بتایا اس کو ہم کاٹ دیں گے کوئی ٹینشن یہ ابھی تھوڑا سا یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا میرا اوپر بھی جانا ہے कहाँ रहते हो आप, क्या मुश्किलात है आपके? जी मेरा नाम अब्दुल रशीद चेची है, मैं गुरहाजन में रहता हूँ, यहाँ इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ हाँ, हमने सर तकरीबन 6 साल से इंतज़ार किया, तो मुश्किल मुश्किल से इस साल में ये मिकदम का काम शुरू हो गया था, तो नीचे से भी ये आधा काम हो गया यहाँ तक, तो चक से भी यहाँ तक आपके सामने जो है आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक काम हो गया। और अब ये बीच में रह गई है, बीच को मिकदम नहीं हो रहा है, यहाँ इन्होंने ये मशीनें लगा कर यहाँ तक मिकदम डाली, तो बाद में ठेकेदार भी चला गया यहाँ सामने कोई, फिर ठेकेदार यहाँ आया तो उसने हमारे साथ वादा लिया कि एक दिन नहीं परसों हम यहाँ मिकदम का काम शुरू करेंगे, तब से हमें इंतज़ार में ठेकेदार कहीं नहीं, फ़ोन करते हैं फ़ोन भी नहीं उठाते। क्या क्या आपको, हम ये कहना चाहते हैं आपकी वसालत से कि मेहरबानी करके जो ये आधा किलोमीटर बचा है तो इसमें मिकदम डालिए, हम लोग गरीब हैं सर, आज इन लोगों का ये सब मजदूर हैं, यहाँ सब मजदूर हैं, आज इनके 8-8 दिन यहाँ ज़ाया हो गए, तो आज मुझे एक दिन की राशन लाऊंगा, आज 8-10 दिन हो गए हमें इसी सड़क पर, मेहरबानी करके आपकी वसालत से मैं ये कहता हूँ डीसी साहब को गुजारिश करता हूँ कि हमारी मेहरबानी करके हम लोग गरीब लोगों के साथ ये। मैं मोहम्मद यूसुफ कोहली, मैं यहाँ पर रहता हूँ चक में, लास्ट यहाँ पर ये रोड जहाँ पर अड्डा है, अड्डा हूँ अच्छा स्टॉप पर, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो हमारी ये बस्ती जो है ये बहुत पसमानदा बस्ती है, जो ये रोड हमारी PMG में तो हमको दी गई थी, चलो हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, गवर्नमेंट का, ठीक किया क्योंकि हमको रोड की ज़रूरत थी, नहीं तो हम पहले बोझ उठा के लाते थे वहाँ 5-10 किलोमीटर से हम बोझ कंधे पर उठा कर लाते थे, थोड़ी बहुत सहूलियत हो गई थी, लेकिन रोड हमारी अभी यूं की तू ही है, क्योंकि ये हम नहीं समझते कि रोड हमारी ये मुकम्मल हुई है इसका काम, क्योंकि जब यहाँ पर मान लो मैकडम हुआ तो मैकडम भी 1 किलोमीटर का हुआ, बाकी मैकडम जो है वो बंद हुआ, और इससे पहले भी जो यहाँ पर हमारे ठेकेदार हजरात आते थे, PMG वाले ऑफिसर आते थे यहाँ पर, जई साहब आता था, तो 1 साल के बाद यहाँ पर नज़र होती है हमको, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं बहुत पसमानदा हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई और यहाँ पर सहूलियात नहीं है, तो अब जो रोड की हमको थोड़ी ये सहूलियात आई थी तो ये भी हमको हमसे छीनी गई है, क्योंकि हमको अगले पिछले 1 हफ्ते से 8 दिन से हमको ये काम जो है बंद है, तो हमारा मानो और कोई किसी से भी कोई डिपार्टमेंट से मुतालबा नहीं है, PMG वालों से हमारा मुतालबा है कि हमारी ये रोड का काम जो है कम्प्लीट करें और अपनी जो मशीनरी है वो ले जाए, बस हमारा और कुछ नहीं, और पूरा मन हमारा यही है मुतालबा, हमारा कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई और मसला नहीं है, बल्कि हमारी रोड का जो ये 1.5 किलोमीटर रह गया है बाकी, जो हमारा मैकडम करके पूरा कर दें, क्योंकि बाद में सर्दी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।